जी हाँ दोस्तों, आप इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना हो, अपना रिजल्ट आप सेकंडों में डाउनलोड कर पाओगे। जैसे कि बहुत सारे विद्यार्थियों का एक ही कमेंट आ रहा था मुझे, सर मैं अपना रिजल्ट नहीं देख पा रहा, बहुत सारे विद्यार्थियों का। तो उन सभी विद्यार्थियों के सवाल को देखते हुए मैंने एक बेहतरीन सा वेबसाइट आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ, जिसके माध्यम से आप मात्र एक सेकेंड में अपना रिजल्ट देख पाओगे, यदि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना हो। ठीक है, तो आइए सारी प्रक्रिया को समझते हैं। यूजी पीजी रिजल्ट चेक एयर, यूजी बोले तो अंडर ग्रेजुएट बोले तो बैचलर डिग्री बोले तो बीए बीएससी बीकॉम बीसीए बीबीए, ये सारे डिग्रियां जो है यूजी के अंतर्गत आते हैं। अब पीजी की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट बोले तो मास्टर डिग्री बोले तो एमएएमएससी एमकॉम या एमबीए, ये सारे कोर्स जो है आपको पीजी के अंतर्गत आते हैं। इसका रिजल्ट आप कैसे अपना देख पाओगे, तो यहाँ देख सकते हो साफ साफ यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया है। आप मान के चलो किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, या दिल्ली यूनिवर्सिटी से, या बाकी यूनिवर्सिटी जितनी भी हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, या बिहार के किसी यूनिवर्सिटी से हो, यूपी के किसी यूनिवर्सिटी से, उसका नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, नाम यहाँ पर फाइनली आपको लिख देना है। इसके बाद एग्जामिनेशन की बात करें तो एग्जामिनेशन में जैसे कि आप बी ए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो बी ए फर्स्ट ईयर लिख दोगे। इसके बाद मान के चलो आप बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो तो बीएससी सेकंड ईयर लिख देना है। और रोल नंबर की बात करें, रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड में दिया होगा, वो रोल नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ सभी को पता होता है, तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको दे देना है। इसके बाद फाइंड भी आप क्लिक कर दोगे, फाइंड पर क्लिक कर दोगे। मैं आप सभी के सामने अभी मात्र एक सेकेंड में रिजल्ट डाउनलोड करूँगा सभी यूनिवर्सिटी का, ताकि आपको विश्वास हो और आप भी अपना रिजल्ट डाउनलोड कर पाओ। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम फिल करते हैं। जैसे कि मैं बीएनएमयू का स्टूडेंट हूँ तो बीएनएमयू यहाँ पर फिल कर दिया। इसके बाद एग्जामिनेशन की बात करें तो मैं बीए सेकंड ईयर का छात्र था, जिसका मैं फाइनली एग्ज़ाम दे चुका हूँ और रिजल्ट मुझे देखना है। तो रिजल्ट देखने के लिए मैंने क्या किया, अपने रोल यानी कि एडमिट कार्ड में मेरा रोल नंबर दिया गया, उसे मैंने यहाँ पर फिल कर दिया। इसके बाद मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है 5 मार्च 2004 का है, तो 5 मार्च 2004 मैंने दे दिया। इसके बाद मुझे यहाँ पर फाइंड पर क्लिक कर देना है। क्या करना है, फाइंड पर क्लिक कर देना है। तो फाइनली मैंने फाइंड पर क्लिक कर दिया, देख सकते हो आप सभी के सामने पीडीएफ के फॉर्मेट में हमारा मार्कशीट डाउनलोड होगा। ठीक है, फाइनली आप सभी देख सकते हो यहाँ पर 1 MB का मार्कशीट डाउनलोड हो गया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो आप सभी, साफ साफ देख सकते हो यहाँ पर 1 MB का मार्कशीट डाउनलोड हो चुका है, जिसमें कि मेरे एग्जाम में कुल मिला के 500 अंक की परीक्षाएं थी, मैंने इसमें 338 अंक प्राप्त किया है, मैंने फाइनली यहां पर पास हो गया है। ठीक है, मैं यहां पर फाइनली पास हो चुका हूं, यहां पर देख सकते हो मुझे 338 मार्क्स पर दिए गए हैं। तो आप भी किसी यूनिवर्सिटी से क्यों ना बिलोंग्स करता हो, आप भी अपना रिजल्ट सेकेंडों में डाउनलोड कर सकते हो। तो आइए सारी प्रक्रिया को आज की इस वीडियो में बारीकी से समझते हैं और आप भी अपना रिजल्ट डाउनलोड। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को अपने फ़ोन में गूगल को ओपन कर लेना है। गूगल के ऊपर हम लोगों का अटूट विश्वास है, इसलिए हम लोग किसी भी तरह जानकारी प्राप्त करने के लिए गूगल को ही फाइनली फॉलो करते हैं। तो मैंने अपने फ़ोन में गूगल को ओपन कर लिया है। यहाँ पर आपको सर्च करना होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको सर्च करना होता है जी के भी, सारे लेटर स्मॉल में होने चाहिए, रिजल्ट RESULT। ठीक है, जी के भी रिजल्ट आपको सटा कर लिखना है। क्या लिखना है, जी के भी रिजल्ट आपको सटा कर लिखना है, सारे लेटर स्मॉल हो, और यहाँ पर .com, ठीक है, .com लिखना अति आवश्यक है। तो .com आपको काफ़ी ज़्यादा हटा कर लिखना है। ठीक है, देख सकते हो मैंने यहाँ पर .com को काफ़ी ज़्यादा हटा कर लिखा हुआ है। तो GKB से .com काफ़ी ज़्यादा आपको हटा कर लिखना है, देख सकते हो GKB रिजल्ट सटाकर .com काफ़ी ज़्यादा हटा कर लिख देना है आपको, .com काफ़ी ज़्यादा हटा कर लिख देना है और फाइनली सर्च कर देना है। यही एकमात्र ऐसा वेबसाइट है जिसके माध्यम से प्रतिदिन लाखों की संख्या में छात्र छात्राएँ लाभ उठा रहे हैं। मैं भी खुद इसी वेबसाइट को फॉलो करता हूँ और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि बेहतरीन सा वेबसाइट है। तो देख सकते हो आपके सामने यहाँ पर GKB इंग्लिश में लिखा होगा, रिजल्ट हिंदी में लिखा होगा आ चुका है। इस पर एक प्यारा सा आपको क्लिक कर देना है। क्या करना है, प्यारा सा आपको क्लिक कर देना है। प्यारे दोस्तों, GKB रिजल्ट पर फाइनली हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर कोना में जो है आपको एक सर्च का बटन दिख रहा होगा। ठीक है, सर्च का बटन दिख रहा होगा, तो आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। ठीक है, आपको सर्च क्या करना है, ALL, इसके बाद ऑल हो गया। इसके बाद यूनिवर्सिटी का स्पेलिंग पता होना चाहिए, UNIVERSITY और यूनिवर्सिटी,
ऑल यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। जैसे ही आप ऑल यूनिवर्सिटी सर्च करोगे, आपके सामने देख सकते हो एक प्यारा सा इंटरफेस देखने को मिलता है। किसी भी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट देखें मात्र एक सेकंड में यहाँ पर बीए बीएससी एंड बीकॉम एमएमएससी एमकॉम का रिजल्ट दिखाया जा रहा है। तो प्यारे दोस्तों, इस पर एक प्यारा सा नन्हा सा आपको क्लिक कर देना है इस फोटो पर। जैसे ही क्लिक करोगे आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हो, यहाँ पर बारीकी से एक एक बात को काफ़ी अच्छे ढंग से बताया गया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। और यहाँ पर डायरेक्ट लिंक गया है जिस पर आप क्लिक करते ही मात्र एक सेकंड में रिजल्ट देख सकते हो। तो प्यारे दोस्तों, मैंने जो तरीका बताया इसे आप भूल भी जाते हो या किसी कारण बस आप अपना रिजल्ट डाउनलोड नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पर मैं एक यानी कि काफ़ी अच्छे ढंग से एक एक लाइन आपको बताया हुआ हूँ। एक बच्चा भी यदि यहाँ ये सारे लाइन को काफ़ी अच्छे ढंग से पढ़ ले तो अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकता है। तो मान के चलो यहाँ पर मैंने नियम ऑफ यूनिवर्सिटी डायरेक्ट रिजल्ट लिंक, ठीक है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आप यहाँ पर अपने यूनिवर्सिटी का नाम देख कर, ठीक है, आप अपने यूनिवर्सिटी का नाम देखकर ना, जैसे कि मान के चलो कि यहाँ पर बिलासपुर यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे हैं तो बिलासपुर पर यहाँ पर लिंक दिया गया है, डायरेक्ट लिंक है, इस पर क्लिक करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं। झांसी के बच्चे यहाँ से, ठीक है, और चौधरी चरण सिंह के बच्चे यहाँ से क्लिक करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ से, तो सभी यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया, आप इसके माध्यम से अपना रिजल्ट देख सकते हो प्यारे बच्चों, ठीक है। तो मैं अभी जैसे मान के चलो कि मैं यहाँ पर देख सकता हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का देखता हूँ, ये यूपी के यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इस पर हम यूपी आ गए हैं, यहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का रिजल्ट देखते हैं। या आप यूपी का ना हो, आप राजस्थान के हो तो राजस्थान वाले पे क्लिक करके आप अपना रिजल्ट देख सकते हो। तो फाइनली मैं यूपी का ही रिजल्ट यहाँ पर आप सभी के सामने दिखाता हूँ, ठीक है। तो लिंक पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है आपका यूनिवर्सिटी कौन सा है, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है आपका यूनिवर्सिटी कौन सा है, आपका रोल नंबर क्या है, तो एडमिट कार्ड में रोल नंबर है, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछा जा रहा है। इसके बाद आपको ये सारा कुछ भरने के बाद आपको फाइंड पर क्लिक कर देना है। क्या करना है, फाइंड पर फाइनली क्लिक कर देना है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मैं सारा कुछ फिल कर देता हूँ, ठीक है, मैं BNMU से जो BNMU लिख देना मैं, और यहाँ पर जो है एग्जामिनेशन, तो मैंने BA सेकेंड ईयर की परीक्षाएं दी थी तो BA सेकेंड ईयर लिख देना है। इसके बाद रोल नंबर की बात करें तो एडमिट कार्ड में जो है रोल नंबर दिया रहता है, ठीक है, एडमिट कार्ड के रोल नंबर को यहाँ पर चिपका देना है। और डेट ऑफ बर्थ तो सभी को याद रहता है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिख देना है। तो एक बच्चा भी अपना रिजल्ट इस वेबसाइट के माध्यम से देख सकता है। तो और फाइंड पर आपको क्लिक कर देना है। फाइंड पर क्लिक करते ही 1 से 2 MB का आपका मार्कशीट होगा, वो आपका डाउनलोड हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, इससे बेहतरीन तरीका हो ही नहीं सकता। गूगल पे जाइए और gkbresult.com सर्च कीजिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। तो जल्दी से आप अपना रिजल्ट देखिए और मुझे बताइए आपका रिजल्ट हुआ या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट।